जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए आरएस अग्रवाल मैथ से अनुपात समानुपात को कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ, और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है आपका, देखिए 140 नंबर तक मैं पढ़ा चुका हूँ, अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको देख लें। आज हम लोग 141 नंबर से चलेंगे दोस्तों। तो प्रश्न है 126 रुपये प्रति किलोग्राम और 135 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को एक तीसरी प्रकार की चाय के साथ 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया। यदि इस मिश्रण का मूल 153 रुपये प्रति किलोग्राम हो तो तीसरे प्रकार की चाय का मूल प्रति किलोग्राम कितना है? लग रहा है लंबा प्रश्न दोस्तों, लेकिन कुछ भी नहीं है, सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। देखिए कैसे बनता है। अब देखिए तीसरे प्रकार की चाय मान लीजिए एक से क्या है, एक से ये तीसरे प्रकार की चाय है। अब यहां जो है पहला है 126 रुपये प्रति केजी, दूसरा है 135 रुपये केजी, 135 रुपये केजी, और तीसरे प्रकार की चाय जो हम माने अभी सो क्या माने, एक है। अब ये जो चाय है तो के साथ 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया, इन चाय को 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया, यानी इसके साथ एक मिलाया गया, इसके साथ एक मिलाया गया, और इसके साथ दो मिलाया गया, और कुल कितने प्रकार की चाय है तो एक, यहाँ देखिए 1:1:2 इसको जोड़ देंगे तो ये कितने प्रकार की होगी, चार प्रकार की होगी दोस्तों। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको बेचा गया कैसे, 153 रुपये प्रति के जी, यानी 153 रुपये प्रति के जी, और कितने प्रकार की चाय है तो चाय पर चार प्रकार की, तो चार से इसको गुना कर दीजिए। अब यहां गुना करते हैं 126 से एक को तो 126 आ जाएगा, 135 को एक से गुना करेंगे तो 135 आ जाएगा, और तीसरा जो है ये 2x आ गया। अब इसको 153 को चार से गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 612 आ जाएगा दोस्तों, 612। अब देखिए ये 126 और 135 को मिला दीजिए, ये सबको बोल रहा है कि 126 रुपये और 135 रुपये प्रति किलोग्राम चाय वाली एक तीसरी प्रकार की चाय के साथ इतना के अनुपात में मिलाया गया। जब इसको जोड़ते हैं 126 और 135 तो हमारा 261 आ जाएगा दोस्तों, 261, और ये आ जाएगा हमारा 2x बराबर 612। अब ये प्लस में है, जब इधर ये 261 जब इधर जाएगा बराबर की इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारा 2x बराबर 612 माइनस 261। अब इसको घटा दीजिए, 2x बराबर 612 में अगर 261 को घटाते हैं तो 351 आएगा दोस्तों, क्या आएगा, 351। तो x बराबर, अब इससे काट देते हैं, अगर इसको काटते हैं तो कितना आएगा, 175 दूनी 350 यानी 175.5 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये तीसरे प्रकार की चाय पूछ रहा है यहाँ, तीसरे प्रकार की चाय का मूल क्या है, तो तीसरे प्रकार की चाय कितना माने थे हम, x माने थे, तो x बराबर क्या आया, तो 175 रुपये, 175.5 रुपये प्रति के जी, यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या आया, तो बी नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, और दोस्तों अगर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। अब देखिए 142 नंबर प्रश्न दोस्तों, 142 नंबर प्रश्न है, कुछ राशि ए बी सी डी के बीच 5, 2, 4, 3 के अनुपात में वितरित की गई, यदि ए को सी से 1000 रुपये अधिक मिले हो तो बी का भाग कितना है। अब हम आपको बताए थे कि अगर कम या अधिक का बात करता है, कम या अधिक की जब भी बात होता है तो वो अंतर की बात होती है, क्या होता है, अंतर की बात। देखिए ए बी सी डी है, क्या है, ए बी सी और डी है, ये है 5, 2, 4, 3 के अनुपात में है। अब इसको 5x मान लीजिए, एक सभी के साथ मानिए, ये 2x है, ये 4x है, और ये हमारा 3x है। अब बोल रहा है कि देखिए यदि ए को सी से 1000 रुपये अधिक मिले, यहां ए कितना है 5x और सी कितना है तो 4x। अब हम 5x में 4x को घटा देंगे, ये अंतर बता रहा है, ए को सी से अधिक मिले, देखिए ये 5 है और C कितना है तो 4 है, यहां बता रहा है 5x और माइनस 4x, अंतर इतना बोल रहा है, यानी अंतर इसको अगर हम निकालते हैं
एक एक साया, और ये अंतर बता रहा है 1000, कितना बता रहा है 1000, ठीक है। तो x बराबर कितना आया, तो 1000। अब बोल रहा है कि तो b अधिक मिले तो b का भाग कितना है, तो b का भाग कितना है, यहां देखिए 2x है, x बराबर 1000, तो b का भाग, अब b का भाग पूछ रहा है, b का भाग बराबर ये है 2x, अब 2x है 2 और x का मान यहां आया 1000, तो 1000 से गुणा कर दीजिए, अगर 1000 से गुणा करते हैं कितना आ जाएगा 2000, यही हमारा आंसर आ गया। तो b का भाग कितना है दोस्तों, तो a नंबर होगा यानी 2000। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 143 नंबर प्रश्न दोस्तों, 143 नंबर प्रश्न कह रहा है एक संख्या का 40% दूसरी संख्या का 4/7 है, पहली तथा दूसरी संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा। एक संख्या मान लीजिए ये पहली संख्या है, पहली संख्या का 40% परसेंट में तो बटा 100 हो जाएगा, बराबर दूसरी संख्या का 4/7 है, कितना है 4/7 है। चलिए अब क्या कीजिए, इसको काट दीजिए, 20 दूनी 40 और 20 × 50 100, ये कट गया। अब ये कट जाएगा 2 × 4, क्या आया पहली संख्या यानी 1/5 आया, और दूसरी संख्या क्या आया 2/7 आया दोस्तों, यही आया ये दूसरी संख्या। अब क्या होगा, ये तिरछा गुना हो जाएगा, ठीक है। अगर हम तिरछा गुना करते हैं, अरे इस तरह से तिरछा गुना हो जाता है, तो ये आ जाएगा हमारा पहला गुने 7 और ये दूसरा गुने 5 × 10। अब जब इस तरह का गुना में रहता है और जब बीच में बराबर हो तो ये उलट जाता है, क्या होता है उलट जाता है, यानी पहली संख्या हमारा जो है सो बन जाएगा 10 और दूसरी संख्या क्या बन जाएगा तो 7, तो पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या। अब पहली संख्या कितना हो गया तो 10 हो गया, और दूसरी संख्या कितना हो गया 7 हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर कितना हो गया दोस्तों, तो 10/7। चलिए सारे लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया कमेंट कीजिएगा आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए अब 144 नंबर प्रश्न, 144 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका दोस्तों एक कार तथा एक रेल की गति का अनुपात 15:22 है, यदि रेल की गति कार की गति से 35 किलोमीटर घंटा अधिक हो तो कार की गति क्या है। देखिए यहां भी अधिक, कम या अधिक किसका बात करता है, वो अंतर का बात करता है, हम आपको पहले बता चुके हैं, कम या अधिक जब भी बात करें तो वो अंतर का बात करता है। अब बोला है कार जो है रेल की गति का अनुपात 15:22 है, ये कार है और ये रेल है, ये 15x है और ये जो हमारा 22x है, कितना, और ये बोल रहा है कि यदि रेल की गति कार की गति से 35 किलोमीटर अधिक है, यानी इसका जब अंतर निकालते हैं अंतर, ठीक है, तो 22 में 15 घटा दीजिए यानी 7x, यहां बोल रहा है 7x और यहां बोल रहा है 35 किलोमीटर, मतलब 7x बराबर 35 किलोमीटर, कितना 35 किलोमीटर, एक मिनट, तो ये 7x बराबर हो गया दोस्तों 35 किलोमीटर, तो x बराबर, तो ये काट दीजिए 7 × 35, कितना आ गया 5 आ गया। तो बोल रहा है यहां पे कि कार की गति कितनी है, तो कार की गति कितना है तो 15x है, तो कार की गति ये कितना है तो 15x। अब ये 15x है तो 15 और x का मान यहां 5 आया है, तो 5 से गुना कर दीजिए, और जब इसको गुना करेंगे तो ये 75 आ जाएगा, कितना आएगा 75 किलोमीटर घंटा, यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो ए नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं
और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 145 नंबर। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर ले चैनल, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे दोस्तों। अब देखिए 145 नंबर प्रश्न जो है, बोला यदि P प्लस क्यू का 20% बराबर P माइनस क्यू का 50% हो तो P अनुपात Q क्या होगा। चलिए देखिए कैसे बनता है। सारे के सारे मैं सीरियल से पढ़ा दे रहा हूँ आप लोग को दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो वाच कीजिए। देखिए P प्लस क्यू का 20%, फिर है बोल रहा है P माइनस क्यू, P माइनस क्यू का 50%। अब ये परसेंटेज, ये उड़ गया हमारा, ठीक है। ये जीरो काटिए, ये जीरो कट गए, ये कट गया। अब गुना कीजिए, यहाँ दो है तो दो पी प्लस टू पी यानी और टू क्यू, ये आ जाएगा बराबर। अब फाइव से पाँच से गुना कीजिए तो फाइव पी माइनस फाइव क्यू, ये आ गया। अब क्या करेंगे हम, इस टू पी को इधर ले जाएंगे, बराबर के इधर ले जाएंगे तो फाइव पी में टू पी घट जाएगा तो कितना बचेगा। चलिए हम थोड़ा सा लंबा कर देते हैं ताकि आप लोग को पीडीएफ में समझ में आने में दिक्कत नहीं हो। 5p माइनस 2p और ये हमारा जो है ये इधर आ जाएगा, बराबर के इधर है, ये माइनस में इधर आकर के प्लस में हो जाएगा, यानी 2q प्लस 5q ये हो जाएगा। अब देखिए आगे ये हो गया दोस्तों। अब 5p में 2p घटाएंगे तो 3p आएगा, और ये 2p और 2q प्लस 5q यानी 7q आएगा। और जब इस तरह प्रश्न आता है बीच में बराबर रहे तो p बराबर 7 हो जाएगा और q बराबर 3 हो जाएगा, ये उलट जाता है दोस्तों, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। तो जब ये उलट जाता है दोस्तों तो देखिए कैसे होता है, ये p अनुपात q, तो P बराबर 7 हो गया और Q बराबर क्या हो गया तो 3 हो गया, यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या हुआ तो D नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आज यहीं तक दोस्तों, चलिए कल मिलते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू।